पोहरी में गुरुवार को होली में अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा मेन चौराहा पर एनपीएस रूपी होलिका का दहन किया गया। मुख्य चौराहा पर सभी कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन, उसे बहाल किया जाए। इस दौरान प्रीति सूर्येश, प्रांतीय उपाध्यक्ष, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने सरकार से ये मांग की है कि हमारा अधिकार सरकार दे, और साथ ही कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली होना चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। आज एनपीएस के सहारे हम क्या उम्मीद करें, इसी दौरान सभी वर्ग के कर्मचारी और अधिकारियों ने एनपीएस होलिका का दहन किया। आज आंदोलन किया गया है एनपीएस, क्या है और क्या आपकी मांग है? मैं पीसी सूर्येश, प्रांतीय उपाध्यक्ष, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, और आज हम सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, सभी वर्गों के जो अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, और सभी को जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है, मैं पेंशन विहीन हूँ और ये सारे जो हमारे साथी भाई बहन हैं सभी पेंशन विहीन हैं, और आज हम एनपीएस रूपी बुराई की होलिका जलाकर पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। मेरे प्यारे भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी, उनका यशोगान करते हुए हम सब बहनें थकेंगी नहीं यदि वो हमें हमारी पुरानी पेंशन देते हैं, और यदि नहीं देते हैं तो मध्य प्रदेश का हर कर्मचारी वोट की चोट करेगा। इसके लिए हम बाध्य हैं, आप सबसे निवेदन है हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ।